एक राजा जंगल गया। शिकार करने के लिए जंगल गया, शिकार नहीं मिला। राजा बड़े चिंतित थे। एक वृक्ष के नीचे राजा बैठ गए, शिकार नहीं मिला। रात्रि हो गई, अधिक रात्रि जब हो गई ना, उस वृक्ष के ऊपर में एक चिड़िया मनुष्य के भाषा में बोलने लगी। चिड़िया बोलती है, यहां नहीं वहां है, यहां नहीं वहां है। दूसरी चिड़िया बोली, वहां नहीं यही है, वहां नहीं यही है। तीसरी चिड़िया बोली, नो यहां है नो वहां है, नो यहां है नो वहां है। चौथी चिड़िया बोली, वहां भी है यहां भी है। राजा सुबह में जब अपना घर आए, पूरे इलाके में ढिंढोरा पीट दिया, जो जो चार सवाल का जवाब देंगे उसको 20 लाख रुपया इनाम में देंगे। इलाके के लोग मर पड़े, बढ़िया बढ़िया पोथी पुराण लेकर आए, बहुत आदमी पोथी पढ़ते हैं, लेकिन पोथी के अनुसार नहीं चलते। मिट्टी हाथ पड़ गए, राज किया भुजंगी ने, पोथी पढ़ 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 पंडित मर गए, लाभ लिया सत्संगी ने। कुछ लाभ मिला है तो सत्संगी को मिला। पूरे इलाके के विद्वान पढ़े लिखे लोग आए। राजा जी ने माइक में कहा, यहाँ नहीं है वहाँ है, इसका मतलब क्या? वहाँ नहीं है यही है, इसका मतलब क्या? न यहाँ है न वहाँ है, वहाँ भी है यहाँ भी है, चार सवाल का जवाब दो। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान पोथी खोजते खोजते परेशान हो। सबों ने कहा, इसका उत्तर मेरे पास में नहीं है। एक चोर आदमी थे, चोर कन्हे चोरी हुए ना, वही चोर बाग मारे लोग, यही चोरे ना, ऐसा भी होता है। कुछ गांव में है, जो टुकड़े पर पहाड़ी काटी जदना ने, वो ओकरे हाथे हो तो फल हो बचिया, वही पर पहाड़ी काट ले। चलिए, चोर आदमी बहुत भी हर था, चोर की बुद्धि बहुत तेज। चोर ने राजा साहब से कहा, राजा साहब ये चार सवाल का जवाब तो हम देंगे। हाँ, कहा दे दे, कहा वैसे देंगे। दस चोर की पत्नी सत्संग करती थी, चोर ने 20,000 रुपया पत्नी के आगे में रख दिया। पत्नी बोली, जहिया से बिहा होलो छे तोरा से, तहिया से तोरा समझावे छे, चोरी नहीं करो, चोरी नहीं करो, ककरो टका उठा खाली हमरा या धर लो। पति कहलकै, आप चोरी नहीं कर लो,
आवरी राजा की आँखी में गर्दा तक 20,000 ले ले पत्नी के लिए केना ले लो राजा का आँखी में गर्दा तक 20,000 कल के दो राजा जंगल गेलो रहीले गाछी लगी चिड़िया बोले यहाँ नहीं वहाँ है दूसरो बोले वहाँ नहीं यही है तेसरो बोले नो यहाँ है नो वहाँ है चौथा बोले वहाँ भी है यहाँ भी है चार सवाल के जवाब कोई नहीं दे सके हम मैं के लिए 20,000 दे हम यार ढूंढ हम तक जवाब दे हम ये 20,000 का तो राखी ल चल ली हम पंजाब खाली फाउंडर्स गप होते 10 साल ये भी नहीं करबो ना तालु राजा जाते भूला है चोर की पत्नी बोली ये इनो काम तो तोरा नहीं करना चाहिए जब के लेने जो पंजाब कथि थे वो चार सवाल के उत्तर हम ही दे दे पति के लिए वहां वहां बढ़िया बढ़िया पढ़ लो लिख लो सब लोग लोहे तो कोई बोल है पढ़ ले तो के ना उत्तर दे दो कल के वो पढ़ ले छे गढ़ ले नहीं छे हम गढ़ ले चार सवाल के उत्तर हमने दे दे चलो तो चोर ने कह के देखो तब राजा लग हम ने बहुत तोरा भेजी बहुत तोरा मार जब लाग लाग तो जो हम अपन नहीं भागी पत्नी के लिए चलो हम मारते तो भागी विचार दुनिया में माँ बहन को कमजोर नहीं समझना चाहिए राम भक्त बेटी भली राम विमुख नहीं पूत सबरी मर कर परम धाम गई धुंधकारी भय भूत चोर की पत्नी बोली चलो चलो चोर की पत्नी चोर दोनों वहां से चल चल रास्ते में चोर की पत्नी ने देखा एक झोपड़ी उस झोपड़ी में एक महात्मा जी बैठे थे महात्मा जी के शरीर में वस्त्र नहीं था एक नंगोटी पहने हुए थे जहां फटते थे वहां सुई धागा से सी करके उस नंगोटी से काम चलाते थे लेकिन झोपड़ी में रहकर धूप बरसात ठंड ही सहन करके दिन रात भगवान का भजन करते थे चोर की पत्नी बोली बाबा आपको मैं 5,000 रुपया दे दूंगी एक घंटा के लिए मेरे साथ में चलिए ना महात्मा जी ने कहा फ्री में जाएंगे ले चलो जहां ले जाओ महात्मा जी को साथ में लिया आगे बढ़े चोर और चोर की पत्नी कहां गए एक वेश्या के यहां गए चोर की पत्नी बोली वेश्या से माता जी 10,000 रुपया दे दो दो घंटे के लिए मेरे साथ में चलिए तैयार हो गई वेश्या ने स्नान किया 50,000 की साड़ियां पहनी जेवर जाल पूरा भरपूर पहनकर सज धज कर चोर की पत्नी के साथ में चल चल आए राजा के पास चोर ने राजा साहब से कहा राजा साहब धाओ ये परस में कोनो दाम नहीं रहा
हम दाम वाला बात बोले छे ये साधारण बात हम पत्नी बोली तो एक रे पूछो की बात छे हम हटे छो पूछी जी चोर की पत्नी आगे बढ़ी चोर बगल कहीं लाठी देते हम पहले फिर रहा चोर की पत्नी बोली राजा साहब कहिए क्या सवाल राजा ने कहा यहाँ नहीं वहाँ है इसका मतलब चोर की पत्नी बोली बाबा को देखिए महात्मा जी को गौर से महात्मा जी यहाँ के लिए कुछ जमा नहीं किए झोपड़ी में रहकर भीख मांग कर धूप गर्मी बरसात ठंड को बर्दाश्त करते हुए झोपड़ी में रहकर जीवन भर भजन किया भले महात्मा जी को यहाँ 10-20 बीघा नहीं है भले महात्मा जी को परिवार नहीं है भले महात्मा जी के शरीर में बढ़िया वस्त्र नहीं है एक नंगोटी पहने हैं लेकिन महात्मा जी ने इतना भजन किया है इतना भजन किया है कि यहाँ इनको जो दुख मिल जाए हो जाए लेकिन यहाँ से जब जाएंगे इस महात्मा की आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी जो सदा के लिए आवागमन के दुख से छूट जाएंगे महात्मा जी ने यहाँ नहीं वहाँ के लिए ध्यान अर्जन किया कबीर शोधन सो आगे को शीश चढ़ाए गाठरी जातन देखा को कबीर साहब कह रहे हैं यहाँ के लिए आप जमा क्या करते हैं वहां के लिए जमा यहाँ नहीं वहां है बाबा ने वहां के लिए जमा किया है राजा को ये प्रश्न का उत्तर सटीक उत्तर मिला बात ठीक कह रहे हैं राजा ने कहा वहां नहीं यही है कहिए माता जी को देखिए अभी भी माता जी के शरीर में 1,00,000 रुपया का जेवर है बड़े सुंदर महल में रहती है बड़े बड़े लोगों से लगाव है लाखों लोगों का फोन नंबर है इनके पास अरबों खरबों के मालिक है इस माता जी ने वहां के लिए कुछ जमा नहीं किया है जो कुछ जमा किया है तो सिर्फ यही यहां इसको सुख है यहां इसको सुविधा है यहां किसी चीज का कमी नहीं है इस माता जी को यही भर जो सुख मिल जाए वहां तो इतना दुख मिलेंगे कि वहां कोई पैर भी करने नहीं जाएंगे कि इसको उतना दुख अब मत दीजिए वहां नहीं यही है माता जी राजा ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है अच्छा वो यहाँ है वो वहां है चोर की पत्नी बोली मेरे पतिदेव को देखिए चोर है मेरा भाग ही खराब हो गया मैं क्या क्या कर दुनिया में बहुत बहन की शादी होती है लेकिन सब बहन के भाग में अलग अलग पति है केगरे पति दारू ने पिए छे केगरे पति दारू है भूलो रहे छे अंतर है कि नहीं केगरे पति गालिए ले दे छे केगरे पति दिन भर पत्नी के गालिए देम रहे छे
केकरे पति ताश नहीं खेले जे केकरे पति रागी ताश खेले केकरे पति मोबाइल के बटन दाबल ले जाने जे केकरे पति दिन भर मोबाइल में गिजिर मिजिर करते रहे सब का भाग्य जो है अलग अलग है। किसी बहन के नसीब में गरीबी लिखा है, किसी बहन के नसीब में अमीरी लिखा है, किसी बहन के पैर में एक चप्पल के लिए रुपया नहीं है, किसी बहन को 20 लाख की गाड़ी में बहन चलती है। ये अपना अपना नसीब है, अपना अपना भाग्य है। कुछ ऐसे पति हैं पत्नी को 90 बरस हो जाने के बाद भी गाली नहीं दिए हैं। कुछ ऐसे पति हैं नित प्रतिदिन पत्नी को थप्पड़ लपड़ गाली गलौज मार पीट कर सबका नसीब अलग अलग। पत्नी में भी केकरे पत्नी अत्यसुत ही छे कुछ छूने बोलते केकरे पत्नी वही वो जी पति के करा ले जा खाए जैसे रात लेकिन कच कच पति है पर 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 सब का अपना अपना नसीब है। लड़की बोली राजा साहब मेरे पति भी चोर है। मैं बार बार कहती हूँ आप चोरी छोड़ दीजिए, चोरी में पकड़े जाने पर यहाँ के लोग भी मारते हैं, समाज के लोग से भी मार खाते हैं, पुलिस से भी मार खाते हैं। मार खाते खाते एक दिन जब इसका शरीर छूटेंगे वहां भी इसको जमराज भी मारेंगे। मेरे पतिदेव के लिए नो कोई यहाँ पेड़ बिकार है, नो कोई वहाँ पेड़ बिकार है, नो यहाँ है नो वहाँ है। राजा ने कहा हाँ वहाँ भी है यहाँ भी है। लड़की बोली वहाँ आप हैं। आप जो बीच-बीच में साधु महात्मा की सेवा करते हैं, आप जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, ये वहां के लिए कमाई कर रहे हैं। अगला जन्म में आप दान किए थे, धर्म किए थे, तब आपको राजा के यहां जन्म हुआ। जो बिना कमाए बिना मेहनत किए आप राजा हो गए, अरबों खरबों के मालिक हो गए। ये तो आपके पुण्य के प्रभाव से आप राजा बने हैं। अगला जन्म जो आप बढ़िया कर्म किए थे इसलिए राजा के यहाँ आपका जन्म हुआ। अभी जो बढ़िया कीजिएगा ना तो यहाँ भी सुख तो आपको है और वहां भी सुख आपको मिलेगा। यहाँ भी है वहां भी। राजा मिली गले बच्चा तो लागा कि जे भूतले लो रे भूतले ती क्या ने कहा इतना बात तुम कैसे जानती हो किसी पुराणों में ये तो लिखा नहीं है। लड़की बोली सत्संग जो मैं करती हूँ सत्संग करते करते ये अनुभव ज्ञान का फल है। जो सही रूप से सत्संग करेंगे ध्यान करेंगे उसको अनुभव ज्ञान भी होगा। विचार राजा ने कहा 20 लाख रुपया अब ले लो। लड़की बोली 20 लाख रुपया नहीं लूंगी। राजा ने कहा मेरा तो घोषणा है कि जो चार सवाल का उत्तर देंगे उसको 20 लाख। लड़की बोली
मेरे घर पर आप सत्संग करवा दीजिए। उस चोर के घर पर सत्संग का व्यवस्था करवाई, संत महात्मा आए, सत्संग हुआ, आरती लगी, उस चोर के घर से एक मैली कुचेली काली कलौटी पोटड़ी लेकर एक बूढ़ी निकल कर घर से जाने लगी। चोर की पत्नी बोली, माता जी तुम तो इसी घर से निकल कर जा रही हो, कौन हो? चोर की पत्नी जब बोली कौन हो, तो अब बूढ़ी बोली मैं दरिद्री हूँ, दरिद्री जिस घर में रात दिन कलह कच कच हो उसी घर में रहती, जिस घर में चोरी बेईमानी अन्याय अत्याचार का धन आता हो उसी घर में मैं रहता, जिस घर में लोग झूठ बोलते हैं, झूठ लोग झूठ बोलते हैं, कत्ता गहो होला होले मोह कत्ता गहो होला होला गहो होले 20 मनवा जो 17-18 लगभग होला होला दो मन जे बचे छे उ हम ही खाई छी, झूठ के ना बोलै 18 मन उ दो मन हम ना खेबे, दो मन खाए के मतलब कोनो पेट धरम लागि जते उ इलाज हम चलो। इसलिए मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। वह बूढ़ी दरिद्री उस घर से चली गई। आगे से उधर से एक नई नवेली दुल्हन आई। चोर की पत्नी बोली माता जी तुम कौन हो? वह बोली मैं लक्ष्मी हूँ, जिस घर में सत्संग हो, जिस घर में परिवार में मेल हो, जिस घर में ध्यान पूजा हो, उस घर में घर में मैं रहती हूं। एक नई नवेली और आई। चोर की पत्नी बोली कौन हो? का मैं सरस्वती हूं। एक और आई कौन हो? मैं पार्वती हूं। उधर से एक पुरुष आए। चोर की पत्नी बोली आप कौन है? कहा जिस घर में सत्संग भजन होगा उस घर में मैं रहता हूँ। मेरा नाम विष्णु भगवान है, ये ब्रह्मा जी हैं, ये भोला बाबा है। तो जिस घर में परिवार में मेल और सुमति हो, जहाँ सत्संग हो, जहाँ भगवान की पूजा हो, वही तो देवी देवता परम पिता परमात्मा भी रहने के लिए तरसते हैं। विचार हर आदमी को चाहिए, वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए, गुरु से युक्ति लेकर मुक्ति पाने के लिए भजन करना चाहिए। ये पांच तत्व के जो शरीर है इसमें गलत कर्म का दाग नहीं लगाना चाहिए।